6 अप्रैल से शनि का नक्षत्र परिवर्तन। 30 दिन बाद शनि के कष्टों से मिलेगी बड़ी राहत। शनि शतभिषा से भाद्रपद में करेंगे प्रवेश। किन राशियों के कष्टों को काटेंगे शनि? शनि की कृपा किनका करेगी कल्याण? ढैया और साढ़े साथी में किनकी होगी मौज? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मेघ शर्मा जी। मेघ जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया में देखिए, इस बार नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है और वो भी कर्म फलदाता शनि महाराज का। आपको बता दूं कि एक महीने बाद यानी कि 6 अप्रैल को शनि महाराज शतभिषा नक्षत्र से निकलकर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और जब जब देखिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन होता है तो देखिए आम से खास हर किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव, एक बड़ा परिवर्तन स्वयं शनिदेव लेकर आते हैं। और इस बार शनि का यही नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? जिन पर शनि के ढैया चल रखी है, जिन पर शनि की साढ़े साथी है, जो शनि की महादशा से गुजर रहे हैं, उनके लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन कितना राहत भरा रह सकता है या फिर उनकी मुश्किलें भी बढ़ा सकता है? तो क्या कहता है इस बार शनि का यही शतभिषा से भाद्रपद वाला नक्षत्र परिवर्तन? आइए मैं जिसे जानते हैं, बताइए। देखिए कविदारी, जैसे ग्रह राशि परिवर्तन करता है उसका भी महत्व बहुत ज्यादा होता है, और इसी तरह जब कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है तो उसका हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, राशियों के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा। अब शनि देव जब 6 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो कुछ राशियों को बड़ी राहत देंगे, यानी हम कह सकते हैं कि इन राशियों के जीवन में जो छोटी मोटी परेशानियां दिक्कतें चल रही थी उनसे उनको छुटकारा मिलेगा और उनके कार्य बनते हुए नजर आएंगे, व्यवसाय अच्छा चलेगा, धन लाभ भी होगा, और अगर आप बड़े व्यापारी हैं तो निश्चित रूप से ये आपको शुभ फल भी देंगे। और साथ ही साथ शनि जो है राजनीति के कारक हैं, और अप्रैल माह से लेके मई तक ये जो 2 महीने रहेंगे चुनाव का दौर भी रहेगा, यानी कि राजनीति में भी शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपको उच्च पद दिलवा सकता है, चुनाव जीत सकते हैं और साथ ही साथ मंत्री पद भी कई लोगों को मिलेगा। तो भाई राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, खेल जगत, कला जगत, आर्थिक जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये गोचर जो है बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो मैं जी शतभिषा से निकलकर भाद्रपद नक्षत्र में जाना, क्या हम इसे एक पॉजिटिव लेकर चले शनि का ये नक्षत्र? देखिए शतभिषा नक्षत्र से निकलकर जब पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तो ये बृहस्पति का नक्षत्र है। यहाँ पर इस नक्षत्र में आना, अब आप ये मानिए कि ये काफी कुछ अच्छा संकेत देगा राहु के नक्षत्र से। जी जी बिल्कुल, तो कई राशियों के लिए ये बहुत अच्छा लाभ देकर जाएंगे। तो जैसे मैं जी ने बता दिया भाई, गुरु के नक्षत्र में अब शनि देव प्रवेश कर जाएंगे एक महीने बाद यानी कि 6 अप्रैल से। तो आइए देखिए 12 की 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और विशेषकर कौन सी विशेष राशि है जिन्हें इसका शुभ फल मिलेगा, ये भी जानेंगे मैं जी। तो मैं जी मुझे लगता है सिलसिला तरीके से राशियां मैं उठा लेती हूँ। पहली राशि मेष आती है, इसके लिए कैसा रहेगा? देखिए मेष राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा, ये 11वें भाव में जब पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव आएंगे तो ये लाभ को और ज्यादा बढ़ा देंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, विवाह का योग होगा, संतान पक्ष की तरफ से खुशहाली रहेगी, जो लोग निसंतान है उनके घर में संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, और यहाँ पर आपका जो लोग अविवाहित है उनके विवाह का योग बनेगा। तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार कहा जा सकता है। वृषभ राशि के लिए? वृषभ राशि वालों के लिए भी ये गोचर जो है काफी अच्छा रहेगा। इस समय कार्यस्थल पर आपको विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन कार्यस्थल पर थोड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा क्योंकि शनि जो है वो बृहस्पति के नक्षत्र में है और आपके बृहस्पति शत्रु माने जाते हैं शुक्र के, तो यहाँ चुनौतियां बढ़ेंगी, परेशानियां थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी स्थिति आपके लिए अच्छी कही जा सकती है। घर लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। मिथुन राशि? मिथुन राशि वालों के लिए ये समय अच्छा रहेगा, मान प्रतिष्ठा भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे, कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगी, जो लोग नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा और धन लाभ भी अच्छी मात्रा में होगा। कर्क राशि? देखिए कर्क राशि शनि की ढैया से पीड़ित है, इनको बृहस्पति के नक्षत्र में आने से थोड़ी राहत मिलेगी, यानी कि कर्क राशि वालों का काम कारोबार जो अभी काफी कम चल रहा है क्योंकि शनि की नीच दृष्टि है कार्यस्थल पर, तो ये काम कारोबार आपका बढ़ेगा, पहले से बेहतर हो जाएगा, धन लाभ के योग बनेंगे और आपके स्वास्थ्य में भी तेजी से सुधार होगा। सिंह राशि? सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके जीवन साथी के भाग्योदय का
संकेत दिखा रहा है। काम कारोबार, धन लाभ, आर्थिक स्थिति सब बहुत अच्छे चलेंगे। अगर आप ठेकेदारी का काम करते हैं, आप इंजीनियर हैं, या आप कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सप्तम भाव में जब शनि की स्थिति बनती है, तो अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और धन धान्य की भी वृद्धि होगी। कन्या वालों के लिए भी गोचर हम कह सकते हैं कि परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और इस समय आपके काम कारोबार में भी पहले से बेहतर हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, ये सुनहरा मौका है। छात्रों के लिए भी समय काफी अच्छा रहेगा। तुला राशि के लिए गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। कविता जी, तुला राशि वालों के धन लाभ के योग बनेंगे, काम कारोबार अच्छा रहेगा, आपके संतान की तरक्की होगी, नए कार्य की शुरुआत करने के लिए ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। वृश्चिक राशि वालों, कुछ परेशानियां शनिदेव यहाँ कम करते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। जो लोग नौकरी बदलना चाह रहे हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया है, धन लाभ भी होगा, नौकरी में पहले से ज्यादा तरक्की भी होगी और सुख साधन भी यहाँ शनिदेव बढ़ा रहे हैं। धनुराशि वालों के लिए ये गोचर जो है अच्छा कहा जा सकता है और इस गोचर के चलते आपको काम कारोबार में भी लाभ मिलेगा और यहाँ आपका भाग्य भी साथ दे रहा है, धन लाभ के भी अच्छे योग बनेंगे, लेकिन यहाँ पर खर्च भी बहुत रहेगा इस दौरान। मकर राशि वालों के लिए राहत रहेगी, क्योंकि देखिए मकर राशि वालों के नक्षत्र परिवर्तन होते ही यहाँ पर आपको धन लाभ के अच्छे संकेत मिल रहे हैं, काम कारोबार में तेजी से सुधार होगा, सेहत भी अच्छी रहेगी। कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं और आपको शुभ दशा चल रही है तो इस समय कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर जो है हम कह सकते हैं कि थोड़ा मिला जुला सा रहेगा, यानी कि कहीं ना कहीं जो पहले से अभी आप किसी परेशानी में फंसे हुए थे उसमें से आपको कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन बृहस्पति में रहने से आपके लिए ये सामान्य योग है, यानी कोई बहुत बड़ा विशेष लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि पहले से स्थितियां जो है वो कुछ हद तक बेहतर रहती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में शनि आएंगे। लेकिन इस समय धन का निवेश नहीं आपको करना चाहिए और कोई नए कार्य की शुरुआत भी सोच समझ कर करें। चलिए अंतिम राशि यानी कि मीन के बारे में। मीन राशि वालों के लिए गोचर बहुत उत्तम नहीं कहा जा सकता है, खर्च तो रहेगा लेकिन एक बात संतोष की रहेगी कि थोड़ा सा खर्चों में कमी रह सकती है, कुछ परेशानियां आपकी थोड़ी बहुत कम हो सकती हैं। इस दौरान आपका विदेश भ्रमण का योग बन रहा है और विदेश जाकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। नए काम कारोबार की शुरुआत अभी आपको इस समय आने वाले कुछ महीनों में नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तो आपको धन हानि भी हो सकती है। ये थे मिस्टर महेश शर्मा जी, जिनसे हमने ये जाना कि इस बार 6 अप्रैल का शनि का यही नक्षत्र परिवर्तन 12 की 12 राशि के लिए किस प्रकार कितना शुभदायक रहने वाला है और इसी के साथ क्या कुछ उपाय हैं महेश जी अगर इस दौरान विशेष करने चाहिए। देखिए जिन राशियों को शनि की ढैया, शनि की 7.5 चल रही है या जिन राशि पे शनि की महादशा है और वो अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करें, शनिवार के दिन संध्याकालीन में शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं और साथ ही साथ बादाम का दान करें, काले तिल, काले चने, काले साबुत उड़द और लोहे का दान करना चाहिए। ये सभी दान संध्याकालीन में करें, शनिदेव की आराधना करें तो निश्चित रूप से आपको शनिदेव के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी के साथ मुझे और महेश शर्मा जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।